हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्त बताया बाल मिल ओपन सर्किट के द्वारा कैसे सीमेंट ग्रेड ओपीसी और पीपीसी बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ये सारा हमने बताया। और ये भी बताया कि एक बाल मिल जिसका लेंथ 12.5 मीटर है और डाया 3.8 का है, तो उससे करीब 65 टीपीएच के रेट से ओपीसी सीमेंट बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में आज हम बताएंगे कि कैसे जो बाल मिल का आउटलेट कैपेसिटी है उसको फर्दर करीब 20 टीपीएच तक बढ़ाया जा सकता है सेम मिल से। इसके लिए क्लोज सर्किट लगाई जाती है। इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिंकर को फीड किया जाता है होपर फीडिंग बेल्ट कन्वेयर में या डीप पेन कन्वेयर में। इसके लिए क्लिंकर हम क्लिंकर सैलो से ले सकते हैं। अगर पायरो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ ऑलरेडी क्लिंकर सैलो एग्जिस्टिंग में रहता है, तो डीपीसी से डिस्चार्ज करके मटेरियल को सीधा सीमेंट होपर में फीड किया जाता है। अगर कोई ग्राइंडिंग यूनिट है उस कंडीशन में क्लिंकर सैलो में क्लिंकर को स्टॉक किया जाता है और बेल्ट कन्वेयर के द्वारा मटेरियल को क्लिंकर होपर में फीड किया जाता है। सेम बेल्ट कन्वेयर से ही हम जिप्सम को भी फीड कर सकते हैं, चाहे डंप होपर के द्वारा, चाहे लोडर के द्वारा, चाहे ग्रैब क्रेन के द्वारा, और कहीं कहीं पर रिक्लेमर भी लगे रहते हैं जो कि कांस्टेंट फीड रेट से मटेरियल को होपर फीडिंग बेल्ट कन्वेयर या डीप पेन कन्वेयर पे फीड करते रहते हैं। जब प्रॉपर कलेक्शन हो जाता है क्लिंकर होपर में, जिप्सम होपर में, प्लस फ्लाई एश बिन, फ्लाई एश बिन में जनरली डेंस फेस सिस्टम के द्वारा फ्लाई एश को फीड किया जाता है। अगर बेड फ्लाई एश है उसके लिए सेपरेट फ्लाई एश होपर होते हैं, उसके अंदर में जो भी एयर दिया जाता है वो हॉट रहता है, जिससे इनसाइड में जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाता है। इसके लिए सेपरेट फ्लाई एश सेलो भी बनाए जाते हैं, वो दोस्त हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो फ्लाई एश बिन में ड्राई फ्लाई एश कलेक्ट किया जाता है, डिस्चार्ज स्पाउट में न्यूमेटिक गेट, मैनुअल गेट प्लस डोजिंग वाल्व लगे रहते हैं, जिससे कि प्रॉपर फीड के साथ में मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्लाई एश बिन में। वो आता है क्लोज एयर स्लाइड में, क्लोज एयर स्लाइड कनेक्ट रहता है सॉलिड फ्लो मीटर में, और सॉलिड फ्लो मीटर का जो डिस्चार्ज है वो सीधा बाल मिल इनलेट पे मटेरियल को फीड करता है प्रॉपर कॉन्स्टेंट रेट से। सॉलिड फ्लो मीटर से इंडिकेशन पता चलता रहता है कि कितने रेट से फ्लाई एश फीड हो रहा है बाल मिल के इनसाइड में। तो बाल मिल के इनलेट पे क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई एश की फीडिंग की जाती है। दोस्त अगर हम ओपीसी बना रहे हैं ऑर्डिनरी प्लॉट लाइन सीमेंट, तो उस कंडीशन में क्लिंकर करीब करीब 95%, जिप्सम करीब करीब 5% की फीडिंग करते हैं बाल मिल इनलेट पे। बाल मिल के इनसाइड दो चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर इंपैक्ट के द्वारा क्लिंकर और जिप्सम की प्रॉपर ग्राइंडिंग होती है और साइज बिलो 8 mm तक प्राप्त होता है फर्स्ट चैम्बर में। सेकंड चैम्बर में सेंटर डायफ्राम के द्वारा मटेरियल सेकंड चैम्बर में जाता है। सेकंड चैम्बर में जो ग्राइंडिंग मीडिया के बाल हैं वो करीब 40 mm से लेके 10 mm तक रहते हैं। वहां पर एट्रीजन के द्वारा फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, जिससे आउटलेट में एज पर रिक्वायर्ड फाइननेस ब्लेन ऑर्डिनरी फ्लोट लाइन सीमेंट प्राप्त होता है। वो सीधा अगर ओपन सर्किट है तो सीमेंट बिट एलिवेटर के द्वारा सीधा सीमेंट सैलो में चला जाता है। दोस्त अब इस क्लोज सर्किट में क्या होता है, सीमेंट आउटलेट तक तो प्रोसेस सेम रहता है, अब हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इनलेट पे हम कैपेसिटी बढ़ाए तो जो आउटलेट में रिजेक्ट मिलेगा बाल मिल का, उसके लिए सेपरेटर फीड एलिवेटर के द्वारा मटेरियल को सेपरेटर में फीड करेंगे। सेपरेटर एज ए क्लोज्ड सर्किट के द्वारा बना होता है, जहां पर एक आईडी फैन लगा रहता है, एक साइक्लोन लगा रहता है, जनरली ट्विन साइक्लोन लगाए जाते हैं। इसमें फ्रेश एयर डैम्पर रहता है कि इन्वायरमेंट से इनसाइड टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे और एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे, इसलिए फ्रेश एयर डैम्पर लगे रहते हैं। और प्लस इस क्लोज सर्किट में आप देख रहे होंगे सेपरेटर बैक फिल्टर लगे रहते हैं। सेपरेटर बैक फिल्टर की डक्टिंग इसी क्लोज सिस्टम के डक्ट से कनेक्ट रहता है और सेपरेटर बेंट के द्वारा जो भी एयर सेपरेटर बैक फिल्टर में जाता है
उसमें जो पार्टिकल है वो एज ए सीमेंट ही रहता है, होपर में डिस्चार्ज होता है, और जो डिस्चार्ज प्रोडक्ट है वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो सीमेंट साइलो फीडिंग एलिवेटर में फीड हो जाता है। इस क्लोज सर्किट में आप देख रहे होंगे दोस्त, सेपरेटर क्लोज सर्किट में, तो मटेरियल सबसे पहले रिजेक्ट एलिवेटर या सेपरेटर फीड एलिवेटर से होता हुआ सेपरेटर के टॉप में फीड किया जाता है। वहां पर जो फाइंस है सेपरेटर के इंटरनल में, फाइंस और कोर्स पार्टिकल को बाय डायनेमिक रोटेशन ऑफ ब्लेड सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन से जो फाइंस है वो एयर के द्वारा सीधा साइक्लोन में जाता है, और जो कोर्स पार्टिकल है वो रिजेक्ट में कलेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट कोन में कलेक्ट हो जाता है, और जो फाइनल रिजेक्ट है उसको अगेन हम एयर स्लाइड से होता हुआ सॉलिड फ्लो मीटर से होता हुआ बाल मिल इनलेट में ही फीड करते हैं। सॉलिड फ्लो मीटर से पता चलता रहता है कि क्लोज सर्किट में रिजेक्ट की क्वांटिटी कितना बाल मिल इनलेट पे आ रही है। जो फाइंस कलेक्ट हो रहा है साइक्लोन में वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको अगेन एयर स्लाइड से ही होता हुआ सीमेंट फीड एलिवेटर में ही फीड किया जाता है, अगेन उसको सीमेंट सैलो में ही फीड करते हैं। दोस्त, साइक्लोन के बारे में सेपरेट में हम आपको बताएंगे उसका फंक्शन क्या है, कि कैसे एयर के द्वारा करीब 96% तक मिक्स सीमेंट और एयर को आपस में साइक्लोन में सेपरेट करते हैं। साइक्लोन की एफिशिएंसी करीब 96% तक पाई जाती है, 96% तक मटेरियल सेपरेट हो जाता है एयर से साइक्लोन के अंदर में, और करीब 5% मटेरियल का सर्कुलेशन क्लोज सर्किट में चलता रहता है, जो कि सेपरेटर बेंट बैक फिल्टर में वो भी 5% मटेरियल कलेक्ट होता रहता है। मिल के इनसाइड में प्रॉपर बेंटिंग हो इसलिए आउटलेट में बाल मिल बेंट बैक फिल्टर लगे रहते हैं, फ्लोबिलिटी प्रॉपर मेंटेन रहे बाल मिल इनसाइड में, इसलिए इनलेट पे रिक्वायर्ड ड्राफ्ट मेंटेन करके रखा जाता है, कि जिसके द्वारा वो हेल्पफुल भी होता है कि सेंटर डायफ्राम है आउटलेट डायफ्राम है उसका फ्रिक्वेंट चोकिंग ना हो और प्रॉपर मटेरियल फ्लो इनलेट से आउटलेट में होता रहे, प्रॉपर फ्लूडाइजेशन होता रहे, और जो मटेरियल कलेक्ट होगा मिल बेंट बैक फिल्टर में उसको भी एयर स्लाइड के द्वारा ही एज ए फाइनल प्रोडक्ट ही होता है उसको सीमेंट फीड एलिवेटर के इनलेट पे ही फीड करके साइलो में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो मतलब मिल बेंट बैक फिल्टर से मटेरियल सीमेंट साइलो में गया, साइक्लोन का डिस्चार्ज सीमेंट साइलो में गया, सेपरेटर बेंट बैक फिल्टर का डिस्चार्ज सैलो में गया। तो यहां से जब हम टोटल क्वांटिटी चेक करते हैं तो इससे करीब 20 टू 25 टीपीएस तक प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाती है ओनली सिंगल बाल मिल से। तो जो दोस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो सेम कैपेसिटी बाल मिल का यूज करके हम लोग पीपीसी इसी बाल मिल से जिसका लेंथ 12.5 मीटर है और डाया 3.8 है उससे हम करीब ओपीसी 85 टीपीएस तक प्राप्त कर रहे हैं, जिसका ब्लेन जनरली 3200 तक रहता है, और पीपीसी 110 टीपीएस तक प्राप्त कर रहे हैं जिसका ब्लेन 3600 तक रहता है। टोटल सीमेंट सीमेंट सैलो में कलेक्ट किया जाता है, पीपीसी के लिए अलग सैलो, ओपीसी के लिए अलग सैलो। जब हम पीपीसी बनाते हैं उस समय फ्लाई एश बिन से करीब 35% फ्लाई एश, करीब 65% क्लिंकर प्लस 5% जिप्सम का ग्राइंडिंग किया जाता है मिल इनलेट पे, और सेम प्रोसेस जैसे ओपीसी का होता है वैसे ही पीपीसी का चलता है, और उस कंडीशन में जो पीपीसी प्राप्त होता है उसको सेपरेट पीपीसी सैलो में या पीपीसी कंपार्टमेंट में फीड किया जाता है। आजकल मल्टी कंपार्टमेंट सैलो आ रहे हैं, एक ही सैलो में कई कंपार्टमेंट रहता है जिसमें आप सीमेंट के कई सारे ग्रेड कई सारे वराइटियां आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हो। ओपीसी है, ओपीसी का 43 ग्रेड है 53 ग्रेड है, पीपीसी सेपरेट कंपार्टमेंट में फीड किया जाता है, और सैलो बॉटम से एक्सट्रैक्ट करके मटेरियल को पैकिंग प्लांट में भेजा जाता है। पैकिंग प्लांट में पैकर के द्वारा सीमेंट बैग में सीमेंट फिलअप होता है, करीब 50 केजी का सीमेंट अगेन ट्रक लोडिंग मशीन के द्वारा ट्रक में लोड करके डिस्पैच किया जाता है। सीमेंट बल्क लोडिंग स्पॉट का भी अरेंजमेंट रहता है,
दोस्त सेपरेट हम बाल मिल के बारे में बताएंगे कि बाल मिल का ऑपरेशन कैसे होता है, उसके इंटरनल के बारे में बताएंगे, डायफ्राम के बारे में बताएंगे, उसके गियरबॉक्स के बारे में बताएंगे, कैसे टॉर्सन शाफ्ट कनेक्ट रहता है, उसका जो काउंटर शाफ्ट बेयरिंग है वो किस टाइप का होता है, क्या क्या चीज उसमें ध्यान देने वाली बात रहती है, ये सारा डिटेल हम आपको आगे अपकमिंग वीडियो में बताते रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।